लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्लियर है ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर सेवन पावर्टी क्लियर है कौन सा चैप्टर है चैप्टर सेवन पावर्टी ठीक है चलिए इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा ठीक सबसे पहले मिलेगा हम लोग को वॉट इज पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर पॉवर्टी क्या है और कौन होते हैं पुअर वॉट इज पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी लाइन क्या है ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया नंबर एंड परसेंटेज ऑफ द पुअर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी मेजर्स ऑफ रिमूव पॉवर्टी मेजर्स अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पावर्टी ठीक है तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे सबसे पहले आइए हम लोग सबसे पहला देखते हैं क्या है हमारा व्हाट इज़ पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर ठीक है तो पॉवर्टी क्या है और पुअर कौन होते हैं ठीक सबसे पहले है पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ तो पॉवर्टी क्या होती है कि एक ऐसी इनएबिलिटी होती है जिसमें हम जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी लाइफ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब हम उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं पावर्टी क्लियर है द मिनिम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड फूड क्लोदिंग हाउसिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज तो हमारी लाइफ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं सिंपल है फूड होता है क्लोदिंग होती है हाउसिंग होती है मेडिकल फैसिलिटी एंड एजुकेशन एक्सेट्रा ये सब जो होती है हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं ठीक है हमारी लाइफ की इफ़ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड अगर ये जो मिनिमम नीड्स हैं ये फुलफिल नहीं हो पा रही हैं मैन अंडर गोज़ पेन एंड सफरिंग इससे क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो सफ़र करता है और उसको एक पेन रहता है देयर इज़ लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी इससे क्या होता है कि जो हेल्थ होती है वो भी कमज़ोर होने लगती है और एफिशिएंसी भी कम होने लगती है सिकनेस एंड डिसेबिलिटीज रेंडर हिम हेल्पलेस इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ इस वजह से क्या होता है कि वो अपनी पूरी लाइफ में हेल्पलेस रह जाता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन ही लिव्स इन पावर्टी मतलब जो पुश्ते जो होती हैं वो पावर्टी में रहती हैं ग्रोज, ग्रोज इन पावर्टी पावर्टी में ही बढ़ती हैं ठीक है डाइज इन पावर्टी पावर्टी में ही खत्म हो जाती हैं पॉवर्टी ब्रीड्स और मल्टीप्लाईज इट्स पॉवर्टी जो होती है अपने आप में ही ब्रीडिंग भी करती है और अपने आप में ही मल्टीप्लाई भी होती रहती है तो ये थी पॉवर्टी अब पुअर कौन होते हैं ठीक तो पुअर वो होते हैं ऑब्वियस है जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है वो होते हैं पुअर पॉवर्टी क्या होती है कि जब हम अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं पावर्टी और ऐसी कंडीशन जिसके साथ होती है वो होता है पुअर क्लियर है आगे बढ़ते हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी हाउ आर द पुअर आइडेंटिफाइड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी हाउ आर पुअर आइडेंटिफाइड अब पुअर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी आर द टू वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी अब ये जो रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये क्या है दो वेरियंट्स है पॉवर्टी के जिनके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है ये आइए तो रिलेटिव पॉवर्टी सबसे पहला है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है इट रिफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस रीजन और कंट्री रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है जो पॉवर्टी होती है वो अलग अलग क्लासेस में भी होती है रीजंस में भी होती है और कंट्री में भी होती है ठीक है द कंट्री और क्लास ऑफ लेवल ऑफ लिविंग इज लो इज ट्रीटेड एज पुअर जो भी कंट्री या किसी एक पर्टिकुलर क्लास के पीपुल का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो लो होता है उनको कैसे ट्रीट करते हैं एज अ पुअर ट्रीट करते हैं और रिलेटिवली poor इन comparison टू the कंट्री और क्लास ऑफ पीपल having हाई लेवल ऑफ लिविंग ठीक है और या तो उनको रिलेटिवली पुअर बोलते हैं अगर उनका कंपैरिजन किया जाए जो दूसरी कंट्रीज हैं या जो दूसरे क्लास के लोग हैं जिनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई है उनके कंपेरिजन में रिलेटिव पॉवर्टी इज ऑल्सो इंटरप्रिटेड इन टर्म्स ऑफ इनईक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है वो क्या होती है किस टर्म में भी इसको देखा जा सकता है मींस इन के टर्म में भी देखा जा सकता है जो इनकम होती है कंट्री में क्लियर है नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज एज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी ठीक है इंडिया में क्या होता है पॉवर्टी लाइन का यूज किया जाता है किसके लिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए पॉवर्टी लाइन क्या है पॉवर्टी लाइन रिफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट ठीक जो पॉवर्टी लाइन होता है वो क्या होता है कट ऑफ पॉइंट होता है डेट डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर जो कि किसी एक रीजन के लोगों को किस में डिवाइड करता है पुअर में और नॉन पुअर सेक्शंस में डिवाइड करता है इन इंडिया परसनस हुई स्पेंड एट हंड्रेड एंड सिक्सटीन रुपीज़ ऑन कंजम्शन इन रूरल एरियाज़ एंड वन थाउजेंड इन अर्बन एरियाज़ पर मंथ आर ट्रीटेड एज दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन अब इंडिया में क्या है ऐसे परसन्स जो मंथली आठ सौ सोलह रुपये रूरल एरियाज़ मीन्स विलेज में और थाउजेंड रुपीज़ इन अर्बन एरियाज़ मीन्स शहरी इलाके जो होते हैं उसमें अगर इतना खर्च कर रहे हैं पर मंथ तो उनको क्या होता है वो क्या होते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन कहलाते हैं ठीक है बेस्ड ऑन द न्यू ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन अगर ऑफिशियल न्यू ऑफिशियल पावर्टी लाइन के अगर बेस देखा जाए तो क्या है इन 2011-12 पॉवर्टी रेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी ट्वेंटी अगर न्यू पावर्टी लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2011-12 में इंडिया में जो पावर परसेंट था वो कितना था 21.9 ट्वेंटी 21 था इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्युटली पोअर ट्वेंटी इन इंडिया कवर्स ओवर 50 परसेंट ऑफ द एब्सोल्युटली पुअर इन द वर्ल्ड क्लियर है अगर देखा जाए जो टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट पुअर का अगर देखा जाए इंडिया में ट्वेंटी क्या है इन इंडिया कवर्स फिफ्टी परसेंट ऑफ द एब्सोल्यूट पुअर इन द वर्ल्ड ये जो ट्वेंटी जो एब्सोल्यूट पुअर आ रहे हैं ये ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट है ओवरऑल वर्ल्ड का ठीक है अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है द पीपल हु नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड क्रॉनिक पुअर ऐसे लोग जो कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं जा सके हमारा वॉट इज पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी लाइन क्या है इट रिफर्स टू अट ऑफ पॉइंट यूज टर्म्स ऑफ ऑफ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है ये क्या है एक कट ऑफ पॉइंट होता है विच डिवाइड्स पीपुल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर जो किसी एक रीजन के लोगों को पुअर और नॉन पुअर सेक्शन में डिवाइड करता है ठीक है तो इलेट्रेट इफ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ इज टेकन एज अ कट ऑफ पॉइंट देन बिलो सर्वाइविंग ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ लेस देन फिफ्टीन हंड्रेड

अब जो लोग मंथली पंद्रह सौ रुपये खर्च नहीं कर पाते हैं या उनकी इनकम नहीं है मंथली पंद्रह सौ रुपये की तो उनको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं पुअर पीपल कंसिडर करते हैं और जिनकी मंथली इनकम पंद्रह सौ रुपये से ज्यादा है या मंथली एक्सपेंडिचर पंद्रह सौ रुपये से ज्यादा का है उनको हम लोग नॉन पुअर कंसिडर करते हैं ठीक है अब ऐसी पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हेड काउंट रेशियो बोलते हैं और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो बोलते हैं क्लियर है ये सबको आगे बढ़ते हैं शुड द पॉवर्टी लाइन कट ऑफ बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन क्या पॉवर्टी लाइन जो कट ऑफ है उस पर इनकम के टर्म में या फिर कंजम्पशन के टर्म में मेजर किया जाता है ठीक है मेजर कर सकते हैं पॉवर्टी लाइन कट ऑफ में भी डिटरमाइंड आइदर इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंडीशन जो पॉवर्टी लाइन कट ऑफ है उसको इनकम और कंजम्पशन दोनों ही टर्म्स में कर सकते हैं कंसीडर, ठीक है हा एवर इफ वन इज टू चूज बिटवीन द टू कंजम्पशन शुड डेफिनेटली बी अ प्रिफर्ड पैरामीटर देन इनकम अगर दोनों में से किसी योग को चुना जाए तो जो कंजम्पशन है वो ज्यादा बेटर रहेगा इनकम को चूज करने से दिस इज बिकॉज ऐसा किस लिए कंजम्पशन रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल कंजम्पशन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कोई एक सिंगल पर्सन कितनी गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहा है है एज वेल एज द टाइप ऑफ गुड्स क्वालिटी एक्चुअली यूज और इसके साथ ही साथ किस क्वालिटी का गुड्स एक्चुअली यूज कर रहा है वो वाइल इनकम ओनली शोज द कैपेसिटी टू परचेज और अगर इनकम की बात करें तो इनकम केवल परचेजिंग कैपेसिटी को ही रिफ्लेक्ट करती है क्लियर है सेकेंड पॉइंट है डाटा इज नॉट अवेलेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो डेटा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर अवेलेबल नहीं है ठीक यहाँ पे एक पॉइंट और है ऑफ काउंट रेशियो अब काउंट रेशियो का क्या है इट रिफर्स टू मेजर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन ठीक है जो हेडकाउंट रेशियो क्या होता है इट रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स पॉवर्टी को हम कैसे मेजर करते हैं इसके अंदर कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ऐसे पीपल का मेजरमेंट होता है एडकाउंट रेशियो में ठीक है वेयर पॉवर्टी लाइन मीन्स सम कट ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल कंजन एक्सपेंडिचर पर मंथ जहां पर जो कट ऑफ पॉइंट होता है पॉवर्टी लाइन का वो क्या होता है किसी एक पर्सन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर मंथ के बेस पे कट ऑफ रखा जाता है क्लियर है ये आगे बढ़ते हैं हाउ पॉवर्टी लाइन फिक्स इन इंडिया अब इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स की जाती है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू प्रोसीडरल डिटेल वाइल फिक्सिंग द पावर्टी लाइन इन इंडिया अब इंडिया में कुछ पॉवर्टी लाइन कैसे हम लोग फिक्स करते हैं तो इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम लोग जैसे नंबर वन है इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजन कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर इज कंसीडर कंसिडर ठीक है जब हम कंजम्पन कट ऑफ को एस्टिमेट करते हैं तो केवल और केवल प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर ही कंसिडर किया जाता है नंबर टू है इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी कंसिडर नॉट ओनली फूड आइटम बट नॉन फूड आइटम्स एज वेल प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर में हम केवल फूड आइटम्स ही नहीं साथ ही साथ नॉन फूड आइटम्स का भी कंसिडर करते हैं ठीक है थर्ड है फॉर द कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स वी वर्क आउट पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज जब हम फूड आइटम्स का कंजम्पशन पर अगर वर्क करते हैं ठीक तो क्या होता है हम पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज पर भी वर्क करते हैं ठीक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्मड विद डिफरेंट क्लास इंटरवल्स शोइंग द रेंज ऑफ कैलोरीज कंजम्पशन एंड द लेवल ऑफ कैलोरी कंजम्पशन क्लियर है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है होती है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उससे हम क्या पता चलता है कि हर लेवल पर जो कैलोरी कंजम्पशन है वो कितना है हायर क्लास शोज हायर रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन जो हायर क्लास होता है वो क्या होता है हायर कैलोरी कंजम्पशन को शो करता है नंबर फोर्थ है हमारा फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हर क्लास इंटरवल के अगेंस्ट में रिकॉर्ड होती हैं इच फ्रिक्वेंसी काउंट द नंबर ऑफ हेड्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंजम्पन क्लास हर फ्रीक्वेंसी क्या होती है नंबर ऑफ हेड को काउंट करती है जो कि एक पर्टिकुलर कंजम्शन क्लास से बिलोंग करता है ठीक है फिफ्थ पॉइंट है हमारा फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्कड आउट शोइंग पुअर एंड नॉन पुअर सेपरेटली फॉर द रूरल एंड अर्बन एरियाज तो इससे क्या होता है जो हेड काउंट रेशियो होता है ये फाइनली वर्क करता है और पुअर और नॉन पुअर को क्या करता है सेपरेटली रूरल और अर्बन एरियाज के दिखा देता है द रेशियो शो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन ये जो रेशियो होता है हमें क्या शो करता है कि जो पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन उसका परसेंटेज क्या है ठीक है नेक्स्ट है हमारा फिक्सेशन ऑफ कैलोरीज नॉर्म्स फॉर द रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स अब कैलोरी नॉर्म्स को कैसे फिक्स करते हैं रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए जैसे एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज डिटर्माइंड टू बी 2435 एंड थर्टी रिस्पेक्टिवली फॉर द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ठीक है जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है रूरल पॉपुलेशन के लिए कितनी है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड कैलोरीज इट इज हायर इन द केस ऑफ रूरल पॉपुलेशन ये क्या होती है जो कैलोरी कंजम्पशन हम देखते हैं वो क्या होता है हायर होता है रूरल पॉपुलेशन केस में ऐसा क्यों होता है बिकॉज हार्ड वर्किंग मेल पॉपुलेशन इज फाउंड टू बी हायर इन रूरल एरियाज़ जो हार्ड वर्किंग मेल पर्सनस होते हैं वो ज़्यादातर रूरल एरियाज में ही मिलते हैं ठीक है तो ये था हमारा अभी तक हम लोगों ने देखा कि पावर्टी क्या होती है पुअर कौन होता है ठीक है पॉवर्टी लाइन क्या होती है किस तरीके से पॉवर्टी मेजर की जाती है पॉवर्टी लाइन मेजर की जाती है ठीक है क्रॉनिक प्रोअर्क कौन होते हैं और हेड काउंट रेशियो कैसे वर्क करता है या उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा अब आपका काम यह है इसको अच्छे से रिवाइज करना वीडियो देखना और जो भी मैं आपको वर्कशीट दूंगा उसको सॉल्व करना ठीक है